होम रूल एक फिनिश हो गया, इसमें इतना ही पार्ट पढ़ना है और यही चीज़ें बार बार पढ़ना है। मैं खुद बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जॉब में रहते हुए जितना कंसाइज हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन कीजिए, आप बुक में पढ़िएगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा। मैं इसका निचोड़ यहाँ पे समझा के बता रहा हूँ आपको। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे होम रूल लीग मोमेंट के बारे में, उसके बाद लखनऊ सेशन के बारे में, ठीक है, ये पढ़ने वाले। लेकिन थोड़ा रिकैप करते हैं पीछे क्या देखा था हमने। पीछे के वीडियो में हमने ये देखा था कि 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आया था, और उसके बाद 1909 से लेकर 1914 तक कौन कौन से रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुए थे, ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि अलग अलग इवेंट हुए थे अब्रॉड में, जैसे लाला हरदयाल ने गदर पार्टी किया था, बर्लिन कमेटी हमारा फॉर्मेशन यूरोप में जर्मनी में हुआ था, उससे जुड़ा हुआ जिमरमैन प्लान था, ये चीज़ हमने देखा था। तो वो था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, ठीक है। अब हम देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन कौन से मेजर इंसिडेंट हुए थे जो कि लैंडमार्क इंसिडेंट है। उनमें से हमारा यही दो टॉपिक है। पहला है क्या कि होम रूल लीग मूवमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, और दूसरा लखनऊ सेशन 1916 में हुआ था, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इन्हीं के बारे में देखते हैं, और हमारा स्ट्रेटजी यही रहेगा कि ये सारा हम पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं या बन सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। जो देखिए, पिछले के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब स्वदेशी मूवमेंट फिनिश हुआ था, मतलब फिनिश इन द सेंस कि वो खत्म हो गया था, तो एक्सट्रीमिस्ट चले गए थे, मतलब उनका क्रैकडाउन हो गया था, कुछ को जेल भेज दिया गया था, कुछ को कुछ रिटायर हो गए थे, और मॉडरेट जो हैं वो ऑलरेडी गिव अप कर चुके थे, इन द सेंस कि उनको एक हवा में एक इन्फॉर्मेशन मिला था कि पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आने वाला है, तो वो वहाँ से हट गए थे, तो स्वदेशी मूवमेंट फिनिश हो गया था। तो उसी समय बाल गंगाधर तिलक इनको जो है ना 1908 में बर्मा जेल भेज दिया गया था। कहाँ? बर्मा जेल, 6 साल के लिए। तो 1914 में ये रिहा होते हैं। रिहा होने के बाद देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर तो हो रहा है और इंडियंस को घसीट लिया अंग्रेज, तो हम करें क्या? और दूसरी बात, मॉडरेट्स अलग हो गए हैं, एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए हैं, तो इस केस में हम कैसे करें? और उनको पता था कि समय की मांग ये है कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों मिल जाएं और एक बेटर मूवमेंट तैयार करें, एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जो पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो तिलक साहब जो है ना, वो जुगाड़ में लग गए कि कैसे मॉडरेट को और एक्सट्रीमिस्ट को मिलाया जाए, ठीक है ना। तो यहीं से शुरू होता है कि कैसे ये चीज़ें होंगे। तो पहले हम देखते हैं कि होम रूल लीग मूवमेंट के बारे में। देखिए, होम रूल लीग जो मूवमेंट है ना, ये बेसिकली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो अंग्रेज़ जो इंडियंस को इन्वॉल्व किए थे, तो उसके रिस्पॉन्स में बनाया गया था, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द रीजन, इमीडिएट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। तो वो क्या था? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहला याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट, ये होम रूल लीग मूवमेंट बनाने का आइडिया आया कहाँ से, ठीक है ना। तो तिलक साहब को आइडिया आया, लेकिन और एनी बेसेंट थे, दो लीडर इसमें मेन है। तो अभी हम बात करते हैं आइडिया का। तो ये आइडिया कहाँ से आया था? आयरलैंड से। आयरलैंड में आयरिश वहाँ थे ना, आयरिश लोग, तो वहाँ पे एक आयरिश आइडियोलॉजी चल रही थी। वो क्या था वो हम देखते हैं बाद में, लेकिन फिलहाल ये याद रखिए कि होम रूल लीग मूवमेंट जो है ना, वो आयरिश आइडियोलॉजी के बेसिस पे बना था। अभी आइडियोलॉजी क्या कहता है? ये आइडियोलॉजी कहता है कि हम सरकार को उखाड़ फेंकना हमारा आइडियोलॉजी नहीं है, हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है सरकार में रहकर सरकार के साथ रिफॉर्म लाना, क्लियर है। मीन्स नॉट द ओवर थ्रो ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बट द रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्लियर है। तो आप देखिए इसमें क्या है, होम रूल लीग मूवमेंट, इट वॉज बेस्ड ऑन द आयरिश होम रूल लीग। और इसका मकसद क्या था? इसका जो आइडियोलॉजी था वो था कि रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन, नॉट द ओवर थ्रो ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस बेसिस पे, तो कहने का मतलब ये है कि तिलक साहब जो है ना, वो मॉडरेट्स यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इनडायरेक्टली, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में मॉडरेट्स की संख्या थी ज़्यादा, तो उनको कन्विंस किए कि देखो, हम एक्सट्रीमिस्ट होने के बावजूद हम जो हमारा जो तरीका है ना एग्रेसिवनेस का, वायलेंट नेचर का, उसको हम गिव अप करके हम भी रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उनके उनके रुख को नरम देखकर मॉडरेट्स भी थोड़ा सा अपने आइडियोलॉजी या अपने विचार को बदले और उनको इंक्लूड करने के बारे में सोचने लगे, ठीक है यहाँ तक। और
जो तिलक साहब जो है ना, वो गवर्नमेंट जो समय अंग्रेज थी, अंग्रेज गवर्नमेंट थी, उनको भी ये दिलासा दिलाए या उनको ये विश्वास दिलाए कि हम अब एग्रेसिव या वायलेंट नेचर के नहीं हैं, हमारा भी मतलब कुछ और, मकसद कुछ और हो गया है। तो यहाँ तक हमने देखा बैकग्राउंड, ये चीज़ें चल रही थी, ठीक है। अब देखिए ये जब होता है तो इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर। हालांकि ये फैक्टर जो है ना, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर सकते हैं, ठीक है, अभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी देख लीजिए फैक्टर में क्या थे कि होम रूल लीग मूवमेंट बनाने का क्या मकसद था। पहला ये था कि जो वर्ल्ड, हमने क्या देखा अभी, कि वर्ल्ड वार के रिस्पॉन्स में बनाया गया था, ठीक है ना। तो वर्ल्ड वार में क्या है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा था, और वो एक्सपेंस जो है ना, वो इंडियन गवर्नमेंट बियर कर रही थी, यानी कि इंडियन खजाना, इंडियन ट्रेजरी से पैसा बाहर जा रहा था। अब वो पैसा बाहर जा रहा था, इसके कारण यहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस लगाया गया। अब वो टैक्स अनबियरेबल था, तो वो एक मेन कारण था, मेजर कारण था। दूसरी बात कि मॉडरेट्स का जो है ना, मॉडरेट्स, वो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म जो 1909 में आया था ना, उसने एक ख्वाब दिखा दिया मॉडरेट्स को कि इनको ये मिलेगा, उनको वो मिलेगा, और मिला तो कुछ नहीं। तो इससे भी खफा थे कुछ बाल गंगाधर तिलक और उनके और भी लीडर्स, क्योंकि मॉडरेट जो है ना, वो बार बार भटक जा रहे हैं गवर्नमेंट के लालच में, ठीक है। और तीसरा कि तिलक जो है ना, वो कमबैक किए थे कहाँ से, हमें पता है कि 1914 में वो जेल से छूट के आए थे। तो ये चीज़ें फैक्टर हैं जो होम रूल लीग मूवमेंट को बढ़ाता है। तो अब देखिए इस होम रूल लीग मूवमेंट जो है ना, इसमें दो लीडर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला है बाल गंगाधर तिलक और दूसरा है एनी बेसेंट। तो इन दोनों ने अपने अपने तरीके से होम रूल लीग मूवमेंट अलग अलग जगहों पर इस्टेब्लिश किया था। तो हमें यही पढ़ना है। देखिए वो थे एक तिलक साहब, एक एनी बेसेंट। अब तिलक साहब जो है ना, इन्होंने जो अपना अपना होम रूल लीग इस्टेब्लिश किया, वो कहाँ कहाँ, चार जगहों पे किया था। वो था आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंसेज और बिरार। सेंट्रल प्रोविंसेज जो उस समय मध्य, अभी के टाइम पे मध्य प्रदेश को बोलते हैं, ठीक है ना, उस समय सेंट्रल प्रोविंस था। तो इन इन जगहों पे किया था, और महाराष्ट्र में एक्सेप्ट बॉम्बे सिटी, ठीक है ना। ये जो इलाका है ना, यहाँ पे होम रूल लीग मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब इस्टेब्लिश किया गया तो ये कब हुआ था और इसका डिमांड क्या था, ठीक है। देखिए अप्रैल 1916 में जब होम रूल लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किसने किया था, तिलक साहब ने। चार जगह हमने देख लिया, इसका डिमांड क्या था, इनका डिमांड था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है ना, स्वराज, मतलब स्वराज चाहिए। और इनका डिमांड था कि जो फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज, भाषाई आधार पर प्रोविंसेस का फॉर्मेशन होना, यानी कि अगर किसी रीजन में पंजाबी बोली जाती है तो पंजाबी बोलने वाले इलाकों को हम अलग करेंगे, हिंदी बोलने वाले इलाकों को अलग करेंगे, भोजपुरी बोलने वाले को इलाके को सेपरेट करेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखिएगा, ये डिमांड पूछता है कि तिलक साहब का जो होम रूल लीग था ना, उसके डिमांड क्या क्या थे। तो स्वराज था, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हो गया, तीसरा था कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन होना चाहिए, वर्नाकुलर एजुकेशन, क्लियर है। ये वर्नाकुलर एजुकेशन क्या होता है, वो होता है कि मातृभाषा में, जैसे वेस्टर्न एजुकेशन होता है एक वर्नाकुलर, वेस्टर्न एजुकेशन में क्या होता है कि हर चीज़ें इंग्लिश में पढ़ाई जाती हैं जो वेस्टर्न लैंग्वेजेज होती हैं, लेकिन वर्नाकुलर में हम हिंदी भाषा में या अपने रीजनल लैंग्वेजेस में हम टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं लोगों को, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गई तिलक से जुड़ी हुई होम रूल लीग के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में। देखिए एनी बेसेंट जो है ना, एनी बेसेंट एक तरह से वो आयरलैंड की थी, बाहर की थी वो, तो वो भी जो है ना, अगर जैसे ही तिलक साहब ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग बना लिया, उसके कुछ महीने के बाद सितंबर 1916 में इन्होंने भी एक अपना एक होम रूल लीग बनाया। दोनों होम रूल लीग ही था, लेकिन ये अलग जगह पे किए थे। तो इन जगहों को छोड़कर बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया हो गए, प्लस मद्रास और जो बॉम्बे सिटी इन्होंने छोड़ा था ना बाल गंगाधर तिलक साहब ने महाराष्ट्र में, उस बॉम्बे सिटी में भी, यानी कि मद्रास, बॉम्बे सिटी एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया में एनी बेसेंट जो है ना, इनका अपना 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 इन्होंने ब्रांच खोला था होम रूल लीग मूवमेंट का, क्लियर है। तो इससे क्या पूछता है क्वेश्चन कि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था ना, वो कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो वो हुआ था 1916 में, और इनका एरिया का क्या था, मद्रास, बॉम्बे एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया, क्लियर है। हालांकि इनका जो है ना, ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया में था, बहुत जगहों में था, लेकिन ये लूजली ऑर्गेनाइज था। तिलक साहब का था ना, वो बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज कह सकते हैं एज कम्पेयर टू एनी बेसेंट। इसके बाद
इनका जो डिमांड था ना वो था सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया, तिलक साहब का स्वराज, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद आता है कि इन्होंने जो एनी बेसेंट जो कि बाहर की थी, अब एनी बेसेंट जब बाहर की थी तो इंडिया में रहकर अगर उनको कुछ अपने विचारों को रखना है तो उसमें कुछ ना कुछ एक जरिया होगा, कोई ना कोई एक माध्यम होगा। वो माध्यम क्या होगा? तो चूंकि उस समय टेलीविज़न नहीं था, उस समय उतना लाइट नहीं था, आप सोच के देखो ना, अभी तो 10 साल पहले हालत ख़राब था पूरे इंडिया का, कहीं कहीं अभी भी कई गांव में लाइट नहीं है, तो 100 साल पहले क्या होगा। तो उस समय एक ही माध्यम था अपने विचारों को पहुंचाने का, वो था प्रिंट मीडिया, यानी कि मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, वही एक माध्यम थे। तो एनी बेसेंट जो है ना, अपने विचारों को फैलाने के लिए, इस मूवमेंट के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए कुछ मैगजीन्स पब्लिश करते थे। वो कौन कौन था ये याद रखिएगा, एक तो है आपका जो है न्यू इंडिया, और दूसरा था कॉमनवेल्थ, ठीक है ना, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो ये आपका हो गया तिलक साहब का होम रूल, और ये हो गया एनी बेसेंट का होम रूल, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कहता है कि इन दोनों का जो है ना, दोनों का दोनों तो हमारा होम रूल लीग ही मूवमेंट है, एक तिलक साहब के द्वारा, एक एनी बेसेंट के द्वारा, लेकिन दोनों का कंबाइंड एम क्या था? कंबाइंड एम था सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें से प्रीलिम्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें क्वेश्चन तो बनते हैं, अच्छा खासा बनते हैं। अब जो भी टॉपिक हो रहा है ना, वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, सेल्फ गवर्नमेंट था, ये चीज़ें हो गई हमारी होम रूल लीग के बारे में, क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद कौन सा नेक्स्ट इवेंट हुआ था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होम रूल लीग फिनिश हो गया, इसमें इतना ही पार्ट पढ़ना है और यही चीज़ें बार बार पढ़ना है, मैं खुद बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जॉब में रहते हुए जितना कंसाइज हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। यकीन कीजिए, आप बुक में पढ़िएगा तो उसमें आपको टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, मैं इसका निचोड़ यहाँ पे समझा के बता रहा हूँ आपको। चलिए अब सेकंड टॉपिक है हमारा लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1916 में। देखिए क्या हुआ था, होम रूल लीग मूवमेंट चल रहा था, चलने के दौरान ही तिलक साहब, आपने बताया ना, तिलक साहब ने चाहा कि कैसे मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट को मिला दिया जाए और एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाए, ताकि ये मूवमेंट जो है ना, और मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी बड़ा हो, सशक्त हो और वेल ऑर्गेनाइज्ड हो पहले के कंपेयर में। इसी के लिए लखनऊ का जो सेशन था ना 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे अंबिकाचरण मजुमदार। अब इसमें कुछ चीज़ें डिसाइड की गई, और ये इंसिडेंट जो है ना 1916 का, ये एक लैंडमार्क है, बहुत तरीके से लैंडमार्क है, देखिए कैसे, इंडियन हिस्ट्री के लिए। पहला कि इसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, पहला इंसिडेंट। दूसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों जो एंटी कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दोनों एकदम अलग कट्टर, मतलब कट्टर इन द सेंस कि दोनों के आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, एकदम 180 डिग्री अपार्ट। तो आई एन सी और मुस्लिम लीग, ये दोनों भी इस प्लेटफॉर्म में मिल गए, तो दो इंसिडेंट हो गया ये। तीसरा क्या था कि कुछ डिमांड था उस सेशन में, कुछ डिमांड रखा गया था, तो मुस्लिम लीग का कुछ डिमांड है ना वो कांग्रेस माना, और कांग्रेस का जो कुछ डिमांड है ना वो मुस्लिम लीग माना। वो डिमांड क्या क्या थे, उसके बाद क्या क्या वो हम देखते हैं। देखिए लखनऊ सेशन कहाँ हुआ था, लखनऊ में तो क्लियर है, कब हुआ था 1916 में, प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिकाचरण मजुमदार, और इसमें जो है ना टू इवेंट्स ऑकर्ड, पहला है कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे, मिल गए थे, और एक्सट्रीमिस्ट किनके द्वारा लीड किया गया था, तिलक साहब के द्वारा, उन्हें उन्हीं की लीडरशिप में दोनों का मिलन हुआ था, मॉडरेट्स का एक्सट्रीमिस्ट का। दूसरा क्या था कि मुस्लिम लीग जो है ना वो टुगेदर आ गए किसके, INC के साथ। और आने, अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि मुस्लिम लीग तैयार कैसे हो गए, मुस्लिम लीग के तो डिफरेंट आइडियोलॉजी है, तो वो तैयार कैसे हो गए। देखिए जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो हमने क्या देखा है कि ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश, USA, जापान, कनाडा, ये सब एक साइड थे, और जर्मनी, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये अलग एक साइड थे। तो अंग्रेज़ थे ना वो टर्की टर्की पे बहुत जुल्म कर रहे थे, और हमने देखा है टर्क में क्या है, मेनली मुस्लिम्स ही वहाँ रहते हैं, तो कैलिफेट्स हो गए, और भी उनके जो
नोबल जो उनके जो रिलीजियस टीचर्स है, गुरुज होते हैं, उन पे कुछ एट्रोसिटीज़ कर रहे थे, कुछ प्रताड़ना कर रहे थे, तो इससे इंडियन मुसलमान काफ़ी गुस्सा थे। तो पहला कारण तो ये था अंग्रेज़ से खफा होने का। तो खफा थे तो एक आईएनसी ने अच्छा मौका देखा, उनको बुलाया तो वो एक्सेप्ट कर लिए। दूसरा कारण ये था मुस्लिम लीग का जुड़ने का, कि मुस्लिम लीडर्स उस समय कुछ अलग अलग अपना प्रिंट मीडिया चला रहे थे और लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो अंग्रेज़ जो है ना, कुछ लोगों के प्रिंट मीडिया को बैन कर दिया था। उनमें से दो बहुत मेन थे, पहला था अल हिलाल और दूसरा था कॉमरेड। तो पूछता है एग्जाम में कि अल हिलाल किनके द्वारा लिखा गया था, कॉमरेड किनके द्वारा लिखा गया था या पब्लिश होता था। तो देखिएगा, अल हिलाल जो है ना, वो 1912 में मौलाना आज़ाद के द्वारा होता था पब्लिश, अल हिलाल। और कॉमरेड था, वो था 1911 में पब्लिश हुआ था, किनके द्वारा, मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। अब इन दोनों को देखिए, 1911-12 के आसपास दोनों पब्लिश हुए हैं, और 1914 आते आते दोनों को बैन कर दिया जाता है। अब ये दोनों जो बैन हो गया ना, तो इससे भी काफ़ी मुस्लिम गुस्सा थे, और गुस्सा थे मतलब अंग्रेज़ के खिलाफ थे। तो इस कारण से सोचे कि चलो कांग्रेस भी खिलाफ है अंग्रेज़ के, है ना, और उनका कुछ डिमांड है, चलो हम मिल जाते हैं। तो ये सब कुछ कारण था जिसके कारण कि मुस्लिम लीग तैयार हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस से मिलने के लिए। क्लियर है? तो दो इंसिडेंट याद रखिएगा, लैंडमार्क है ये, लखनऊ सेशन का ये लैंडमार्क चीज़ें हैं। एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स मिल गए थे, प्लस आईएनसी और इन मुस्लिम लीग, ये दोनों भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए थे। अब देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जब दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईएनसी आ गए, तो उन्होंने कुछ डिमांड रखा था कि हम सरकार से ये चाहते हैं। तो कांग्रेस कहा कि आप हमारी डिमांड को एक्सेप्ट कर लो, और हम कुछ एक ज्वाइंट डिमांड प्रेजेंट करेंगे किसके पास, अंग्रेज़ों को मानने के लिए। तो देखिए इसमें क्या होता है, मुस्लिम लीग जो है वो कांग्रेस से कुछ बातें मानती हैं, और कांग्रेस मुस्लिम लीग की बातें मानती हैं, और यहीं पे ब्लंडर होगा। देखिए कैसे, टू हिस्टोरिक डिसीजंस हैपेंड। क्या, पहला, लीग जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिया क्या, ज्वाइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स ऑफ द कांग्रेस, और कांग्रेस और जो है ना कांग्रेस वो एक्सेप्ट कर लिया मुस्लिम लीग का डिमांड। वो डिमांड क्या था, सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट का। अब इसी को पूरे इंडियन इतिहास में हम कहते हैं, आज तक कहते हैं, कि कांग्रेस का बहुत बड़ा ब्लंडर था, जो कि मुस्लिम लीग को अपने साथ मिलाने के चक्कर में उनके डिमांड को मान लिया। वो डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसी सेपरेट इलेक्टोरेट को मानने के पश्चात ही इनडायरेक्टली पार्टीशन थ्योरी यानी कि टू नेशन थ्योरी का बुनियाद रख दिया गया, जब कांग्रेस इनकी बातों को मान लिया। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि कौन सा लैंडमार्क सेशन है कांग्रेस का जिसने कि टू नेशन थ्योरी को एक बुनियाद दे दिया, जिसके बाद प्रबल, कहते हैं ना, एकदम फाउंडेशनली स्ट्रांग हो गया ये आइडियोलॉजी या डिमांड कांग्रेस का, ये मुस्लिम लीग का, कि चलो हमारे इस डिमांड को कांग्रेस मान लिया। तो वो उसके बाद कंटिन्यूअस हर बार हर जगह वो टू नेशन थ्योरी की बात करते थे। तो याद रखिएगा ये चीज़ें, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब जब मुस्लिम लीग ने जब कांग्रेस का डिमांड माना ना, ज्वाइंट ज्वाइंट डिमांड, तो वो ज्वाइंट डिमांड क्या था, ये भी एग्जाम में कभी कभी मेंस पर्सपेक्टिव से पूछ लेता है। तो वो ज्वाइंट डिमांड थे, उसमें से क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। कांग्रेस का डिमांड था कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट मिले एज अर्ली एज पॉसिबल। दूसरा डिमांड ये था कि एक्सपैंड करना लेजिस्लेटिव काउंसिल को। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था ना, हमने देखा था कि 1909 में कि इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या को बढ़ा दिया गया था, तो उसी तरीके पे इन्होंने बोला कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ना, वहाँ भी संख्या को बढ़ा दिया जाए। और तीसरा कि हाफ द मेंबर्स ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियंस। वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था ना, उसमें हमने देखा था मॉलेमेंटो रिफॉर्म में क्या था, कि बस एक इंडियन को अलाउ किया गया था, वो थे सत्येंद्रनाथ सिन्हा 1909 में। और नहीं, और भी अलग अलग थे, इंडियंस नहीं थे। वायसराय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था ना, उसमें बहुत सारे लोग थे, लेकिन उसमें इंडियंस बस एक ही अलाउ किया गया था 1909 में। तो उनका डिमांड था कि वायसराय का जो काउंसिल है ना, उसमें इंडियंस की संख्या एक से बढ़ाकर और कीजिए, और ज़्यादा कीजिए। तो ये इनका ज्वाइंट डिमांड्स था, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें जो ये जो डिमांड है ना, सेल्फ गवर्नमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, इसको लेके थोड़ा सा आगे बढ़े ये लोग, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। और चूंकि दोनों का, अब देखिए ये देखिए, एक्सट्रीमिस्ट मिल गए, मॉडरेट्स मिल गए,
मुस्लिम लीग मिल गए, तीनों मिल गए, तो एक प्रेशर क्रिएट होने लगा किस पे, कांग्रेस, ये अंग्रेज़ों पे। अब जब ये प्रेशर क्रिएट होने लगा ना, तो अंग्रेज़ सोचे कि अब क्या करें। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता था तो वो क्या बोलते थे, एक लॉलीपॉप देते थे। लॉलीपॉप यानी कि कहते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए आपको खुश कर देना। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आपके कुछ डिमांड को लेके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि उस समय बोले कि मोंटेगो स्टेटमेंट आएगा 1917 में, उसमें उन्होंने बोला गया कि आपका जो ये ज्वाइंट डिमांड है ना, इस ज्वाइंट डिमांड पे हम कंसीडर करेंगे कि चलो कुछ हम देखते हैं क्या होता है। तो हम देखते हैं वो स्टेटमेंट क्या था, इट्स आउटकम देखते हैं। तो इसमें ये है कि सफिशेंट प्रेशर हमने देखा अभी कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन था तीनों के तीनों एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे, तो एक हमारा प्रेशर क्रिएट हो गया था। अब ये प्रेशर के कारण गवर्नमेंट जो है ना, इनको काम डाउन करने के लिए बोला कि हम एक स्टेटमेंट लाएंगे जिसको कहते हैं मोंटेगो स्टेटमेंट 1917 को। तो पूछता है एग्जाम में कि मोंटेगो स्टेटमेंट कब आया था, तो वो आया था 1917 में। इसमें क्या था कि इसमें गवर्नमेंट बोला कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये बोलें कि जो भी सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है ना, उसको ग्रेजुअली हम अब लाना शुरू करेंगे, ठीक है। और दूसरा ये बोला कि आज के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, कभी भी अगर कांग्रेस गवर्नमेंट सेल्फ गवर्नमेंट की बात करती है ना, तो वो सेडिशन नहीं होगा। यानी कि अभी के पहले अगर कोई भी कांग्रेस के लीडर्स या कांग्रेसी अगर कहते थे कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको सेडिशन की तरह ट्रीट करती थी और बिना कहे जेल में डाल देती थी। लेकिन आज के बाद सरकार, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट बोली कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है ना, वो सेडिशन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा, आज के बाद जो भी आगे रिफॉर्म आएंगे, उसमें सरकार का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का सेल्फ गवर्नमेंट एक मेजर पॉलिसी होगा कि कैसे हम इसको लाएं धीरे धीरे, ये बोल के, अब ये बोल के शांत कर दिया। अब ये जब इन्होंने बोला तो कांग्रेस लीडर कुछ देर के लिए खुश हुए, लेकिन फिर बोले कि कब लाओगे। तो इसकी खामी क्या थी इस स्टेटमेंट की, कि उन्होंने बोला कि हम लाएंगे, लेकिन कोई एक टाइम फ्रेम नहीं दिया कि 10 साल में, 15 साल में, या अगले साल, या 5 साल, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया। इसलिए इस स्टेटमेंट का कुछ वैल्यू रह नहीं जाता है। तो आई होप कि इतने ब्रीफ में मैंने आपको होम रूल लीग और लखनऊ सेशन के बारे में बताया, जो कि लैंडमार्क इंसिडेंट है। अब हम देखते हैं कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला कि होम रूल लीग मूवमेंट जो है ना, वो किस आइडियोलॉजी पे बेस्ड था, वो था आपको आयरिश आइडियोलॉजी पे, आयरिश होम रूल लीग पे, ठीक है। उसके बाद कहता है इसमें कि आयरिश आइडियोलॉजी क्या कहता है, वो होता है कि नॉट द ओवरथ्रोन ऑफ द गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन, बट रिफॉर्म ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तीसरा, तिलक साहब ने जो होम रूल लीग मूवमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया था, वो कब किया था, तो अप्रैल 1916 में किया था, और वो चार एरिया में किया था, ठीक है। और एनी बेसेंट का वो कहाँ हुआ था, 1916 में, लेकिन सितंबर 1916 में, और वो कहाँ हुआ था, रेस्ट ऑफ द इंडिया अलॉन्ग विथ मद्रास एंड बॉम्बे सिटी, ठीक है। फिर पूछता है कि जो तिलक साहब का जो हमारा होम रूल लीग था, उसका डिमांड क्या था, तो स्वराज था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन था, और वर्नाकुलर लैंग्वेज था। और एनी बेसेंट का क्या डिमांड था, सेल्फ गवर्नमेंट। एनी बेसेंट के दो मैगजीन्स थे, वो क्या थे, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, क्लियर है, यह याद रखिएगा। इसके बाद पूछता है कि अली हिलाल मैगजीन किसके द्वारा लिखा गया था, वो थे मौलाना आज़ाद, और उसके बाद था कॉमरेड किसके द्वारा लिखा गया था, वो था मोहम्मद अली जौहर, क्लियर है, याद रखिएगा ये चीज़ें। ये हुआ बात हमारा होम रूल लीग का। लखनऊ से हम बात करते हैं, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजुमदार। इसमें दो इंसिडेंट हुए थे, कहते हैं कि कौन से सेशन में हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे, यानी कि मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो था लखनऊ सेशन। कौन से लीग में, कौन से सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट एक हो गए थे, वो था लखनऊ सेशन। फिर इसमें कहता है कि ज्वाइंट डिमांड्स को किसने माना था, मुस्लिम लीग ने, और इस सेशन में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड किसने माना था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। फिर आता है बात कि मोंटेगो स्टेटमेंट कब आया था, वो आया था 1917 में। फिर क्वेश्चन पूछता है इसमें कि टू नेशन थ्योरी को फॉर्मली किस सेशन में एक्सेप्ट किया गया, जो कि टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखा, लेड द फाउंडेशन ऑफ टू नेशन थ्योरी, वो था
लखनऊ सेशन ऑफ 1916। तो इस तरीके से हमारा जो 1905 से 1918 का जो 1916-17 तक का फेज है ना, वो हमने ख़त्म कर लिया। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा ना, अब इसमें ग्रांड एंट्री होगा किसका, वो होगा गांधी जी का। तो इसके बाद से अब शुरू चलेगा, वो होगा गांधीयन एरा। ठीक है, आई होप कि ये सारे वीडियो में पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक आपको मैंने पूरा 1905 से 1918 तक का पूरा कंप्लीट करा दिया है। इस पर क्वेश्चन बनाइए, धुआंधार क्वेश्चन बनाइए और क्वेश्चन ही बनाइए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ठीक है ना, ये मैंने कंसाइज आपको दिया है, इसको देखिए बार बार। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, किसी न किसी रूप में मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को बड़ा कीजिए। आप ही का चैनल है ये, मेरा तो है नहीं, आप ही का है। ठीक है, और रात काफ़ी हो गया है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, हैव अ नाइस डे।